regulation in all platforms should be the thing. Yeah, like yeah. इस तरह के content that are so offensive in nature और जो कि instead of influencing people in the right way can mislead them. हुआ है या नहीं हुआ ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि अब बंदा 2-3 बार तो सोचेगा जरूर, और सोचना ही चाहिए, वो फिल्टर एक बार लगा के देखना ही चाहिए, क्योंकि हमें जो सही लगता है वो जरूरी नहीं कि अगले को भी सही लगे. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू थिंक, क्योंकि अब आपको पता है, अब जितने भी रिस्पॉन्सिबल हैं यूट्यूबर्स हैं या जितने भी क्रिएटर्स हैं मैटर ऑफ फैक्ट, उनको पता है कि उनकी फलाना इतनी एक्स वाई जेड ऑडियंस है. तो अब सबको पता है कि उनकी उनके एक बोलने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो एवरीवन नीड्स टू सिट बैक एंड थिंक. या बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आई एम क्वाइट श्योर एंड आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू गॉट ऑफर्स फ्रॉम वेरी बिग प्रोडक्शन हाउसेस, यू नो यू हॉबनॉब्ड विद द बॉलीवुड क्राउड एंड देव लुक्ड अप टू यू फॉर योर वीडियोस, उन्होंने फॉलो किया, यू हंग आउट विद देम एंड ऑल ऑफ दैट हुआ. तो ऑब्वियसली अटेंशन मिल रहा था फ्रॉम दैट ग्लैमरस पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बट यू स्टिल चोज to choose your own production house to launch your first feature film Dhindona, which is very interesting for me. Kyunki mujhe pata hai ki you aise nahi the ki there would have been no one would have come forward to give you those offers. So I want to understand the reason behind your decision, and also who are the people who got in touch, offered you something interesting, and you know, and thought and saw that spark in you. I think mereko 4 saal ho gaye BB ke mains karte hue, and द विजन विथ विच आई स्टार्टेड, या मुझे जब रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे इसको एक अपना यूनिवर्स बनाना है, क्योंकि 19 कैरेक्टर हैं अपने, तो आई कुड डू सो मच विद दिस, देन वाई शुड आई रिलाय ऑन समवन एल्सेस स्क्रिप्ट व्हेन आई कैन डू समथिंग ऑन माय ओन. ऑल्सो 2019 वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज टू रीड स्क्रिप्ट एवरी मंथ, एंड प्रोडक्शन हाउसेज से, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज से आती थी स्क्रिप्ट, एंड मुझे मजा आता था पढ़ने में. बट वो उनका कहीं ना कहीं अभी भी वही साइकी है कि डिजिटल क्रिएटर्स ना आलू हैं, कि इनको एक दो लाइन दे दो, इतनी बड़ी 3 घंटे की 2 घंटे की फिल्म में एक आध लाइन दे दो और इनको वो मूवी में दे दो. एंड जब आप उनसे मीटिंग करने जाओ तो मीटिंग में मार्केटिंग वाले होते हैं साथ में, राइटर्स नहीं होते, राइटर्स और डायरेक्टर्स नहीं होते, प्रोड्यूसर और मार्केटिंग वाले होते हैं. ऐसा 2 बार हो चुका है मेरे साथ, एंड तब मुझे रियलाइज हुआ, दैट्स सो स्ट्रेंज, मेरे को तब रियलाइज हुआ, मैंने कहा ओ अच्छा ये वहां जा रही है गाड़ी अब. तो ये डिसीजन मेरा कॉन्शियस था कि खुद ही मैं लिखूं अपना स्क्रिप्ट एंड दूसरे की स्क्रिप्ट पे रिलाय ना करूं, क्योंकि आपको पता है आपके खुद ही इतने कैरेक्टर्स हैं, तो अगर चला तो आप ही पे आएगा और नहीं चला तो भी आप ही पे आएगा. तो इट्स अ मतलब इट्स इंडिपेंडेंट स्टफ which I am always into. Was there, who are the people from the industry who felt like, you know, maybe in the future you can collaborate with, because they had these conversations where they showed that they believed in you? So I often talk to Karan. I'm also glad that he agreed to perform with me on stage. We did T2 Talks together on stage live. एंड आई एम ग्लैड, मेरी उनसे ही बात होती है, मेरी और ज़्यादा किसी से खास बात नहीं होती, नहीं डायरेक्टर्स में मेरी किसी से खास बात नहीं होती. बट या आई विश समडे समवन कॉल्स मी अप एंड इनवाइट्स मी फॉर अ स्क्रिप्ट नरेशन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई वुड लाइक यू टू एंड दिस बाय टेलिंग पीपल हु आर वॉचिंग दिस कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव स्पोकन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. You end it and tell them what is it that you want them to really think about during this lockdown. I think jitne log ye dekh rahe hain, main unko yahi bolna chahunga ki ek bar lockdown khatam ho jaye to ye mat samajhna ki life normal ho gayi hai, abhi life normal hone mein time lagega. To aap koshish kijiye ki jo aapse less privileged log hain, aap unke liye कुछ, अगर कुछ नहीं कर सकते, मॉनेटरी कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आपके जितने आसपास के लोग हैं, आपके दूध वाले हैं, आपके सब्जी वाले हैं, आपके घर पे काम करने वाले हाउस हेल्प हैं और अखबार देने वाले हैं, ये लोग हैं जो हम एक मिडिल क्लास इंसान से बहुत इमीडिएट कनेक्शन में हैं, रोज रोज आके हमें सर्विस देते हैं.
आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार फोन करके उनकी खबर पूछ लें। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज होगी, और क्योंकि 40% मिडिल क्लास है इंडिया में, और अगर 40% के 40% फोन करके बात करने लगे तो हम लोग फिजिकली ना सही लेकिन मेंटली कोविड से जीत जाएंगे। तो आई थिंक लोगों को यही है, थोड़ा अभी थोड़ी सी सैनिटी हमारी जा चुकी है, लेफ्ट राइट हो चुकी है लॉकडाउन के चलते, बट थोड़ा कॉन्शियस रखें और दुआओं में याद रखें सबको, बस यही है। थैंक यू वंस अगेन भुवन, एंड यू नो कांग्रेचुलेशंस फॉर द एपिसोड ऑफ T2 टॉक्स। आई थिंक इट्स डूइंग रियली वेल, एंड वी ऑल होप दैट वी गेट यू गेट मोर व्यूज एंड देन द प्रोसीड्स गो टू यू नो टू हेल्प पीपल। थैंक यू। बाय, टेक केयर। Watch eTown News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.